अरे बॉल नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप महिम प्रफुल्ल। देश को एक भयावह स्थिति की तरफ अग्रसित किया जा रहा है, धकेल दिया गया है। देश एक ऐसे स्थिति से गुजर रहा है जिसकी कल्पना भी आपने और हमने नहीं किया था। लेकिन 2014 के बाद से हिंदुत्व को जब से खतरा होता है तो देश में नफरत का बाजारीकरण किया जाता है। जाने माने नेता से लेकर अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता या मीडिया घराने नाच नाच कर इस बात को कहती है, लोगों के जहन में इस बात डाली जाती है कि हिंदुत्व को खतरा है। आप सचेत हो जाइए, हाथों में तलवार उठा लीजिए, आप अपनी रक्षा कीजिए। राम को खतरा हो गया है और धर्म को खतरा हो गया है, इसकी रक्षा करना जरूरी है। आप हाथों में तलवार लीजिए, आप नफरत भरी निगाह से देखिए, आप दूसरे धर्म के लोगों को प्रताड़ित कीजिए जिससे आपकी धर्म की रक्षा हो सके। यही काम आजकल किया जा रहा है। इन सब के पीछे कौन जिम्मेदार है, किनके वजह से ये सब हो रहा है? जहां पे हम ये कहते थे कि हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब है, भाईचारे का मिसाल दिया जाता है, लेकिन आखिर उस भाईचारे को हो क्या गया है? कौन लोग हैं वो जो हिंदू और मुसलमान के बीच खाई पाट रहे हैं? कौन लोग हैं वो जो इस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? कौन लोग हैं वो जो इंसान को इंसान नहीं बल्कि हैवान बनाने पे तुले हैं? कौन लोग हैं वो जो धर्म के नाम पे युवाओं को बरगला रहे हैं, उनको भटका रहे हैं? कौन है वो लोग जो देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? कौन है वो लोग जो झूठी राष्ट्रवाद का सपना दिखाकर हमको और आपको गुमराह कर रहे हैं? इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। आपको दो वीडियो दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता हैं, एक विधायक है तेलंगाना से, उनका नाम है टाइगर राजा सिंह, और दूसरे नेता जो हैं वो कपिल मिश्रा हैं। कपिल मिश्रा से शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम टाइगर राजा सिंह पे आएंगे, क्योंकि टाइगर राजा सिंह का अगर वीडियो हम पहले दिखाएं तो शायद आपके कान झनझना जाएंगे, आपके दिमाग और हिल जाएगा कि आखिर हम किसकी आवाज़ सुन रहे हैं, कौन सी भाषा को सुन रहे हैं। लेकिन आप धैर्य रखिए, आप बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको उनका राजा सिंह का भी वीडियो आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम कपिल मिश्रा की वीडियो सुनाना चाहते हैं, लेकिन उससे भी पहले आपको हम एक ट्वीट पढ़कर बताते हैं। मीर फैसल नाम के एक ट्विटर आईडी से लिखा गया है और इस वीडियो को शेयर किया गया है। मीर फैसल लिखते हैं कि हिंदू के अलावा हमारी कोई पहचान नहीं है और ना ही होनी चाहिए। अगर हिंदू के अलावा कोई और बात करता है तो समझना तुम्हारी भी कश्मीर फाइल बनाने की तैयारी है। जिस घर में, यानी जिस घर से मूसा, अफजल, बुरहान निकलेंगे, घर में घुसकर मारेंगे। खरगोन के भीखन गांव के दंगाई कपिल मिश्रा, यानी खरगोन भीखन गांव मध्य प्रदेश, आपको याद होगा मध्य प्रदेश, उसी मध्य प्रदेश के खरगांव में जहां पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जहां पे शिवराज मामा का बुलडोजर मुसलमानों के घरों पे चलाए जा रहे हैं। मुसलमान दोषी हैं या निर्दोष हैं वो कोर्ट फैसला करता, लेकिन उससे पहले, अदालत के फैसले से पहले ही शिवराज मामा को ये लगने लगा कि देश के सबसे बड़े दंगाई, प्रदेश के सबसे बड़े दंगाई तो मुसलमान है, क्योंकि मुसलमानों ने शुरुआत की थी। मुसलमान ही तो थे जो मस्जिदों के सामने जाकर भगवा झंडे लेकर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। मुसलमान ही तो थे जो ये नारे लगा रहे थे कि अगर हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, इसीलिए उनके घरों पर बुलडोजर चला दिए गए। खैर, आप इस वीडियो को सुनिए, कपिल मिश्रा क्या कह रहे हैं। हिंदू के अलावा कोई और पहचान हमारी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई हिंदू के अलावा किसी और पहचान की बात करता है, जात पात की, समाज की बात करता है, तो यह समझ लेना वो तुम्हारी कश्मीर फाइल बनवाने की तैयारी कर रहा है, जो हमारे बीच में टूट डाल रहा है। आज कश्मीर फाइल को देख लो और समझ लो, क्योंकि अगर आज नहीं समझे तो कल दिल्ली फाइल, बंगाल फाइल, केरल फाइल, भोपाल फाइल, इंदौर फाइल, खरगोन फाइल देखने की जरूरत पड़ जाएगी। इसीलिए आज समझो, जो कश्मीर के अंदर हुआ वो हमारे मोहल्लों में ना हो, हमारे इलाके में ना हो, ये समझना जरूरी है। कल श्रीनगर में जामिया मस्जिद के अंदर कुछ लोगों ने नारा लगाया, बुरहान वानी के नाम का लगाया,
आजादी मांगी, मूसा आतंकवादी के नाम की आजादी मांगी। आज खरगोन की धरती से मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि जो जिस घर से बुरहान निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे, जिस घर से बुरहान निकलेगा। तो सुना आपने, कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि हमारी पहचान सिर्फ हिंदू है, इसके अलावा हमारी पहचान कुछ है ही नहीं। ना हमारी पहचान भारतीयता है, ना हमारी पहचान गंगा जमुनी तहजीब है, ना हमारी पहचान भाईचारा है, ना हमारी पहचान मानवता है, ना हमारी पहचान सद्भावना है, सौहार्द है, बल्कि हमारी पहचान अगर कुछ है तो हिंदू है, हिंदुत्व है। अगर हिंदू और हिंदुत्व अगर नहीं है तो समझ लीजिए कि आपकी कश्मीर फाइल बनाने की कोशिश हो रही है। अब कश्मीर फाइल पर भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। कश्मीर फाइल एक फिल्म है जिसमें कई ऐसी घटनाएं होगी जो काल्पनिक होगी, लेकिन उसका बाजारीकरण और कमाने का एक जरिया होता है। अर्थव्यवस्था अगर की एक बहुत अच्छी परिभाषा है, अगर आपको धन अर्जित करना है तो किसी भी चीज को आप विवादित बना दीजिए, आप उससे कमाई कर सकते हैं। अगर आपको उगाही करना है आपके फिल्मों से, तो आप उसको विवादित बना दीजिए, आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, आपकी फिल्म चल जाएगी। यही काम हुआ था द कश्मीर फाइल के ऊपर। खैर, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी वीडियो आपको हम सुनाते हैं। अगर आप इस वीडियो को सुनने से पहले, यही कहूंगा कि इसमें कई गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, गाली गलौज है, आप गौर से सुनिएगा। हम ये भी कहेंगे कि हमारा जो एडिटोरियल टीम है उस पर बीप का इस्तेमाल कर ले, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें या आप तक हम वो शब्द पहुंचाएं। लेकिन ये मोदी सरकार की, मोदी के भारतीय जनता पार्टी के ये शेर हैं, इनके सैनिक हैं, और एक सैनिक दूसरे सैनिक को किन किन भाषाओं से संबोधित कर रहा है, उनको किस रास्ते पे चलने को मजबूर कर रहा है, कहां उनको भेजना चाह रहा है, ये आप गौर से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले हम विनोद कापरी का एक ट्वीट पढ़ के सुना दें। हम सब ट्वीट करने से पहले चेतावनी देते हैं कि वीडियो में गाली गलौज है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सेना और उनके विधायकों को खुलेआम गाली गलौज करने की छूट है। गाली गलौज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो जानना चाहते हैं न कि 2014 के बाद क्या बदला है, उनके लिए यह वीडियो देखिए। वीडियो देखिए। अरे कमाल, ये टाइगर राजा सिंह नाम है इनका, जो विधायक है तेलंगाना से, गोसाल महल जगह है। तो अब जरा सोचिए कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते किन किन शब्दों का, कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए इंसान संविधान की मर्यादा के साथ, संविधान के उन धाराओं के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहा है, कानून व्यवस्था को कैसे अपनी जूती के नोक पे समझता है, अंगूठे के ठेंगे पे समझता है और उसको बखिया उधेड़ रहा है। भरी सभा में, या यूं कहें कि रोड शो करते हुए, मुस्लिम मोहल्ला में जाकर, मुस्लिम इलाकों में जाकर कैसे गाली गलौज कर रहा है, कैसी गाली कर दे रहा है, किन किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, ये 2014 के बाद से परिदृश्य बदला है। मोदी सरकार बदलने के बाद में, मोदी जी के प्रधान सेवक बनने के बाद में, हमारे प्रधान सेवक, मैं यही कहूंगा चलते चलते, हमारे प्रधान सेवक बहुत संवेदनशील इंसान है। यूक्रेन और रशिया के विवाद को, या भरूच में जो हिंसक झड़प हुई है, घटनाएं हुई है, उस पर उन्होंने सदन में चर्चा भी किया था, उन्होंने दोनों प्रदेश देशों के राष्ट्रपति से बातचीत भी की थी। उनको बहुत चिंता है इस बात की कि यूक्रेन और रशिया में जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, भरूच में जो हुआ था नरसंहार वो बहुत गलत हुआ है, लेकिन हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, हमारे अलग अलग राज्यों में क्या हो रहा है उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं है। हमारे प्रधान सेवक को तो एक बार एक नज़र इधर भी देखनी चाहिए थी कि आखिर हमारे देश में क्या चल रहा है। मुसलमानों के प्रति रोज रोज घृणाएं बढ़ती जा रही है, नफरत बढ़ते जा रहे हैं, मुसलमानों को गलियाया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनके मस्जिदों पे भगवा झंडे फहराए जा रहे हैं, खुलेआम उनकी बहू बेटियों को बलात्कार करने की धमकी दी जा रही है। काश इस पे भी हमारे प्रधान सेवक का ट्वीट आता, संज्ञान में लेते। शिवराज सिंह चौहान को, या योगी आदित्यनाथ को, या नरोत्तम मिश्रा को ये कहते कि आप उचित कार्रवाई करें, जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई करें, या हो सकता है कि उनके अधीन अब न्यायपालिका हो गई है, तो ये कहते न्यायालय, न्यायपालिका से, या जस्टिस
जज महोदय से ये कहते कि आप जो भी कार्रवाई करें निष्पक्ष करें, जांच पड़ताल के आधार पर करें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रधान सेवक जरूर इन सब बातों को देखेंगे, श्रीलंका जैसे हालात नहीं बनने देंगे और समय रहते इन सब चीज़ों पर रोक जरूर लगेगी। लेकिन हम अंत में यही कहेंगे कि आप अपने भाईचारों को मत खोइए, आप सद्भावना सौहार्द का परिचय दीजिए, आप अपने आसपास के माहौल को अच्छा रखिए, क्योंकि ये कुछ ही लोग हैं जो इस माहौल को बढ़ावा दे रहे हैं, ये चंद लोग हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन आप और हम बहुत अच्छे इंसान हैं, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने का आपका और हमारा कर्तव्य है, उसको जिंदा रखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए होंगे तो। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।